हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन से अ बार मैग्नेट इज मेड टू फॉल थ्रू अ लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब द स्पीड वी ऑफ द मैग्नेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी एंड डी की कंसेप्ट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द ईडी इंट ईडी करेंट मीन्स वो करेंट जो किसी कंडक्टिंग सरफेस में प्रोड्यूस होता है उस सरफेस से लिंक फ्लक्स के वेरिएशन के रीजन से सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ईडी करेंट इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक बार मैग्नेट है जो फॉल कर रहा है किसी वर्टिकल कॉपर ट्यूब में लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब के थ्रू स्पीड वी से इस मैग्नेट की स्पीड वेरी कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग ड्यू टू तो सम रीजन सो हमें इस क्वेश्चन में फोर कर्व दिया है हमें बताना है कि विच कर्व इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड दिस स्पीड वेरिएशन जैसा कि मैग्नेट जब कॉपर ट्यूब से पास करेगा तो उस कॉपर ट्यूब में फ्लक्स में वेरिएशन होगा और जब फ्लक्स में वेरिएशन होगा तो थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द कॉपर ट्यूब एडी करंट प्रोड्यूस होगा और ड्यू टू दिस एडी करंट एक अपोजिंग फोर्स लगेगा मैग्नेट के ऊपर ट के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा इनिशियली अगर इस मैग्नेट की स्पीड वी है तो वो लिनियरली डिक्रीज uh, करना शुरू करेगी ड्यू टू दिस रिटार्डिंग फोर्स और ये जो रिटार्डिंग फोर्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वोसिटी अल्टीमेटली एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे जिससे कि नेट फोर्स मैग्नेट के ऊपर जीरो हो जाएगा एट दैट टाइम जो मैग्नेट की वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इट मींस दैट इनिशियली मैग्नेट की वेलोसिटी हाईएस्ट है और लीनियरली डिक्रीज कर रही है सो so, इन चारों कर्व में से जो कर्व बी है that represent the best situation so the final answer is option number 2 curve b hope you will understand it well best of luck